वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम पांडे ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो भाई फाइनली हम लोगों का सारा शॉपिंग हो गया और अभी बस एक ही चीज बच्चा देवा कैमरा मत लो, पहले ढंग से खड़े हो जाओ, एक ही इधर खड़े हो जाओ। एक ही चीज बचा है, वो है देवा का सैंडल। और वो भी सैंडल आज हो सकता है कि ले लें, क्योंकि कल रात में काफी लेट हो गया था आने में। तो देवा के लिए और मम्मी के लिए और अपने लिए और अपनी देवरानी की लड़की के लिए बहुत सारा चीज मैंने ले लिया है। तो ये देखिए मेरा सूट, यही उस दिन मैं गई थी, आप लोगों को नहीं दिखाई थी। तो ये है हमारा सूट, आप लोग बताइएगा कितने का होगा। स्ट्रेट सूट है ये, इसका पूरा सेट है। और इसका प्राइस क्या होगा प्लीज आप लोग बता दीजिएगा। एक ये हो गया और इसका ये है पैंट। अभी मैं ना कर रही थी, चेक कर रही थी कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि जल्दी निकलना भी है, बस छुट्टी होने तो मेरी निकलने। तो ये है पैंट इसका कुछ इस तरीके से, ये देखो नीचे का भी डिजाइन इस तरीके से, वैसे पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। और इसका ये है दुपट्टा, ये है दुपट्टा, आप लोगों को नहीं दिखाई दी, इसका दुपट्टा है। इस पे ऐसे पिन लगा लूंगी ना, और ऐसे कर लूंगी तो मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और मम्मी के लिए और एक सीट अपने लिए और लेके आई हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, दो ही सेट ली हूँ। ये है लॉन्ग कुर्ती, ये भी आप लोग बताना इसकी प्राइस क्या होगी, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, सस्ती में है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कितने में होगी, कलर कैसा है, मेरे ऊपर कैसे लगेगा। एक ये हो गया और इसके लिए एक पैंट लगवाई हूँ, इसके नीचे पहने किसी सूट पे भी पहन सकती हूँ, क्योंकि इसका पूरा सेट नहीं है, केवल कुर्ती है। तो ये पैंट लगवाई हूँ और इसके लिए एक दुपट्टा ली हूँ, ये गोल्ड में का। किसके लिए है ये? वो वाला, ये है दुपट्टा साड़ी का। इसकी भी लेंथ लंबी होगी, तो ये है। और अब बच्चा ये है मम्मी के लिए मैं लेके आई हूँ साड़ी, जो उस दिन गई थी चांदनी चौक से। और आप लोग बताना मम्मी के लिए साड़ी कैसी है, कलर कैसा है, कलर कैसे कमेंट करके बताइए, बताना कितने तक की होगी, कलर तो वैसे अच्छे लगे वो पहने। अरे मम्मी वो दिखाता है। तो ये हो गया मम्मी के लिए एक साड़ी, मम्मी के लिए। और ये है पेटीकोट, पेटी तो बहुत बढ़िया लगता है। और ये है हमारे बिट्टू के लिए छोटे छोटे कपड़े, ये बिट्टू के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि गर्मियों के लिए वो पहनेगी तो अच्छा रहेगा। हाँ बहुत प्यारी है भैया ना। तो ये ली हूँ एक, और ये हो गया हाँ? लिए, और ये हो गया पैंट हो गया, ये बड़ी ये जब ऐसे हो जाएगी, ये हो गया टी शर्ट हो गया उसके लिए, ये हो गया मम्मी का और बिट्टू का, वो मेरी बहन है। ये दो टी शर्ट रेगुलर यूज करने के लिए लेके आएंगी, जैसे की घूमने वूमने चले जाओ तो कपड़ा नया पहना के जाओ। ये है मम्मी का मेरे थैला, जैसे कहीं जाएगी तो अपना ऐसे में ले लेगी और सब सामान ले लेगी। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा अपनी सासू माँ के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि बैग से अच्छा ये ही ले लेगी ना तो अच्छा लगेगा। एक ये हो गया और ये है मेन दीवाई का कपड़ा, मेरा कपड़ा। आप लोग बताना दीवाई का कपड़ा कैसा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारा मैंने पसंद किया है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है। एक ये हो गया और ये वाला है, वैसे गंदा तो बहुत करता है, ब्लैक में भी पता चल जाएगा गंदा हो गया। और सबसे ज्यादा ये वाला मुझे अच्छा लगा, ये वाला कौन सा तो आप लोग बताना कौन सा अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा है, ब्लैक की ये पर्पल ये है। और आपका शकल ही दिखाते जा रहा हूँ, इधर तू कैमरा मत हिलाओ देवा, ये हिला ये। तो बताना कौन सा तीनों में से कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा, इधर दिखाओ, दिखा दो रहा, ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है कि ये वाला, आप तीनों में से बताना कौन सा अच्छा है। इसी का तो सबसे ज्यादा कपड़ा महंगा होगा। और मैं क्या लेके आई हूँ, ये है कड़े, पैसे आपको दिखाते हैं हम लोग, ये अलग डिजाइन की है क्या? नहीं सेम डिजाइन की है, ये है मम्मी के लिए कड़ा और देवरानी के लिए सेम ही डिजाइन है। इसमें मिला आठ है, तो बीच में भी पहन सकती है, आगे पीछे करके ही पहन सकती है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि बस इतना ही कपड़ा है, इतने ही। तो मैंने कहा मना कर रही थी मम्मी, मना कर रही थी रहन दो परेशान मत हो, तो ऐसे नहीं खाली हाथ जाने मिलता। और देवरानी के लिए फाइनली मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं लेके जाती हूँ और उनको पसंद नहीं आता, तो मैंने इसीलिए नहीं लिया, ताकि
उनको पैसा दे देंगे अपने हिसाब भाई, उनकी पसंद मेरी पसंद मुझे पता नहीं है कैसे पैसा से उसका उनका मतलब है, दे अपने हिसाब से वो ले लेंगी। तो बस इतना सारा मैंने कपड़ा लिया और अपने लिए बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 3-4 सेट मेरा पहले से ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। 2 सेट मैंने ले लिया क्योंकि कपड़े से ही पेट नहीं भरना, क्योंकि पैसा भी होना चाहिए पास में, अगर पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर पैसा है तो हो जाएगा, इसी में इतना सारा खर्चा हो गया। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताना, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।